नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे NTT शिक्षक भर्ती की। पूर्व भाजपा सरकार में NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार की गई नीति में बदलाव होगा। सुक्खू सरकार इस नीति को बदलेगी, इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में बनी नीति विचाराधीन है, इसे किस तरह और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए इस पर विचार चल रहा है, जल्दी सरकार इस पर अंतिम निर्णय ले लेगी। स्कूलों में NTT शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। इनकी भर्ती प्रक्रिया 3 वर्ष से विचाराधीन है। शिक्षकों के वेतन पर जो खर्च होगा वह केंद्र सरकार वहन करेगी। 3 वर्ष से ये बजट जारी हो रहा है, लेकिन भर्ती ना होने के कारण लैप्स हो जाता है। पूर्व सरकार ने चुनाव से ठीक पहले भर्ती के लिए नीति बनाई थी। इसके अलावा 16 फरवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भी चर्चा की जाएगी। करीब 12,000 पद खाली हैं, जिनको भरने की स्वीकृति मिल गई है उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग में 12,000 पदों पर होने वाली भर्ती और NTT शिक्षक भर्ती पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पर अपडेट कर दूँगा। धन्यवाद।